आप इस स्थान को देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ रामदास चौहान, जिन्होंने सबसे पहले सीना जी की सेवा स्वीकार की थी श्री वल्लभाचार्य जी के द्वारा, ये उनका मुख्य स्थान है। वो यही गुफा में रहते थे और यह गुफा श्री गिरिराज जी पर्वत के पृच्छ भाग में थी, ऊंचरी में, तो इसको रामदास की गुफा बोलते हैं। तो यही रामदास विराजते थे। एक बार श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने कुम्भनदास के पुत्र चतुर्भुज दास से कही, बोले कि जाओ तुम रामदास को बुला के लाओ, वो गुफा में रहे और वो आकर के यहाँ मंगला जी कराएंगे। लेकिन वो चतुर्भुज दास जी यहाँ गुफा में आए और गुफा में प्रवेश करते चले गए, लेकिन रामदास को ही नहीं मिलो, और वहाँ उन्हें नित्य गौलोक धाम के दर्शन हुए। इसी गुफा के द्वारा कुम्भनदास के पुत्र चतुर्भुज दास जी को यही नित्य गौलोक धाम के दर्शन हुए थे, जहाँ युगल सरकार प्रिया प्रीतम ने यहाँ विराज रहे थे, और यहाँ शीतल मंद सुगंध समीर चल रही थी, यमुना जी कल कल करके बह रही हती, श्री स्वामी जी, श्री स्वामी जी, श्री ठाकुर जी एक सैया पे पौड़े हुए थे। श्री ठाकुर जी उनको ओलेवरे दे रही थी और कह रही थी कि बोले के प्रभु आप जगो, मंगला नहीं करोगे। जब श्री ठाकुर जी जगे तो स्वामी जी के कंधा पे हाथ रख करके और यहाँ नित्य गोलोक धाम में वो विचरण करने लगे। तो चतुर्भुज दास पर उनकी दृष्टि पड़ी, चतुर्भुज दास से कही, बोले अरे, बोले चतुर्भुज तुम यहाँ? बोले मैं तो रामदास चौहान को बुलाने आए हो, मेरे को क्या मालूम है कि यहाँ कौन सी लीला चल रही है। बोले नहीं, हमारो यहाँ निवास रात्रि में हम यहीं करें, आप ये मत समझो हम ऊपर ही शयन करें। बोले ये हमारो शयन कक्ष है, ये हमारो नित्य गोलोक धाम है। गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी, उठ चल भोर सुरंग रंग जीते, नंद नंदन ब्रसवान दुलारी। गोवर्धन गिरि सघन कंदरा, रैन निवास कियो पिय प्यारी, यही नित्य गोलोक धाम को जाने को रास्ता है। या श्री चतुर्भुज दास जी को श्री ठाकुर जी ने गोलोक धाम के दर्शन कराए थे, और यही रामदास जी चौहान यही गुफा में रहते थे। बोलो श्री गोवर्धन नाथ है कि बढ़िया है।